चर्चा नहीं करने आए। आज मैं चर्चा करने आया हूँ मेरा पूर्व का जो मेहनत है, मेरा जो मेहनत आप लोगों के प्रति था वो रंग लाया है और उभर करके आ गया। मतलब अंत भला तो सब भला, मतलब कोविड का 90 का कितना भी क्यों ना सिचुएशन हो, या आपका जो त्याग था, आपका जो समर्पण था पढ़ाई के प्रति, वो उभर करके आ गया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेहनत करें, फल का चिंता ना करें, फल तो आएगा। 12th वाले भी अभी आपकी बार एग्जाम दिए, उनको उनके लिए भी है, आप मेहनत किए थे उसी के अनुरूप आपका रिजल्ट आएगा। आप एग्जाम देकर के आए हैं, आप अपना से आकलन कर रहे हैं मेरा 80% या 90% जाएगा, तो नहीं, आप कितना समर्पित थे क्लासरूम में और किस मतलब तरह से आप उस टॉपिक को आप मतलब सॉल्व किए हैं और किस तरह से डिफाइन किए हैं, वो निकल करके आएगा आपका, वो मेहनत है आपका। तो फिलहाल मैं उन सारे बच्चों को बता दूं कि 2018 और 20 और 19-20 वाले सेशन वाले हैं, जितने भी बच्चे मेरे पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, सभी को दिल से बधाई, कांग्रेचुलेशन, और आपके भविष्य अच्छा हो और जल्द से जल्द आप अपने परिवार समाज का एक सहारा बने, एक हिस्सा बने और अपने छोटे के लिए मार्गदर्शक बने। और कहीं भी आप नौकरी करें तो ईमानदारी पूर्वक करें, ईमानदार बने। फिर से पुनः सभी को 18-20 वाले सेशन या 19-20 वाले जितने भी बच्चे हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबको दिल से बधाई, धन्यवाद, और आपका भविष्य अच्छा हो और जल्द ही जल्द आप अपने परिवार का हिस्सा बने और अपने परिवार का सहारा बने और छोटों के लिए मार्ग प्रशस्त करें। मैं कुछ बीते हुए कल को चर्चा करता हूं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए कि बोलते थे कि सर मेरा मैं पास कैसे करूंगा, सर हर सब्जेक्ट तो हो जाए लेकिन सर ड्राइंग में हमारा सर बड़ा दिक्कत है, पिछला बार सर हम क्रॉस लग गया था मेरा, सर पिछला बार मेरा अच्छा नंबर नहीं आया था, सर हम पास नहीं, सर हमको पास करा दीजिए। अरे तुम कोई पाप की हो, तुम्हारे पास समय है। वैसे बच्चे यदि देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो मेरे कमेंट में ईमानदारी से आप कमेंट कर दे कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। सारे बच्चों को मैं मोटिवेट किया उस जगह पे और कोई उम्मीद नहीं किया था उतना नंबर लेकर के अबकी बार पास किया है। मुझे पहले सूचना जो मिला ड्राइंग में, मेरा ड्राइंग, मैं ड्राइंग पढ़ा रहा हूं और ड्राइंग में हाईएस्ट मार्क्स पहले मार्क हुआ क्या 38 नंबर। फिर दूसरा फोन जो आया वो आया बोला सर 39, हमने चलो आ गया रैंक में आ रहा है। फिर जो तीसरा जब फोन किया वो बोला सर 41, हमने बहुत बढ़िया। कल हमको एक लड़का लास्ट तक बताया है, डीजल मैकेनिक का है, 19-20 सेशन है, वो ड्राइंग में उनका 50 में 42 नंबर आया है। जी हाँ, 50 में 42 नंबर आया है, मतलब 92% मार्क्स आया उसका। और अभी तक मेरे जानकारी में अभी तक जिला का टॉपर मेरा 92% रहा है, और मैं ठोक करके कह रहा हूं और विश्वास दिला करके कह रहा हूं कि मेरा जितना भी सारा स्टूडेंट पास किया है यदि मेरे इस वीडियो को देख रहा है और अब अपना परसेंटेज ड्राइंग का आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालते चल जाइए ताकि सबको पता चल जाए। आपके आने वाला जितना भी भाई है, आपका जितना छोटा जूनियर जो भाई पढ़ रहा है, उनको भी लगे कि हमको किस तरह से पढ़ना है, उस तरीका को ढापेगा। तो आप 18-20 या 19-20 वाले सेशन वाले यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपना रिजल्ट पता चल गया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना ड्राइंग का मार्क्स कमेंट कीजिए, आप ड्राइंग का मार्क्स कमेंट कीजिए ताकि सबको पता चले कि क्या है सच्चाई। और आज इस जगह पे मेरा बच्चा 50 में 42 तक लाया है, मेरे मतलब कल तक की जानकारी है, वो डीजल मैकेनिक का लड़का है, और कल आकर के हमको जब बोला ना, वो बच्चा जितना खुश नहीं था उससे 500 गुना मेरा सीना चौड़ा हो गया। हम खुश हुए कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज 92% मार्क्स लाया है, यार बहुत अच्छा लगा। पर यदि देख रहे हैं आप वीडियो को
तो आप इस वीडियो के लिंक में मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के या आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया है, ताकि सबको पता चल जाए। जितना भी एससीबीटी वाले बच्चे देख रहे हैं 18 20 या 19 20 वाले, आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमको भी पता चल जाए कि हाईएस्ट कितना गया है मेरे जिला में। अभी तक तो मतलब हाईएस्ट है 50 में 42 नंबर लाया है, वो हाईएस्ट है, और डीजल मैकेनिकल लड़का है जो ड्राइंग में टॉप किया है। हम पास होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम जब भी पढ़ाए हैं क्लास में और हमेशा डेडिकेटेड और समर्पित हैं आप लोगों के लिए, और काफी हम आप लोगों के लिए डिवोटेड है ताकि आप लोग कुछ बेहतर करें। आज के समय में आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है ये कि 50 में 42 नहीं, हम बार बार बोलते हैं, आप पूर्व में जो वीडियो डाले हैं आप वहां पे भी देखिएगा कि मैं बताया हूं कि आपका ड्राइंग में जो मार्क्स उठता है एकदम मैथ के पैरेलल उठता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 99% नंबर दे सकता है, 95% नंबर दे सकता है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह से आपका ड्राइंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब 95% तक मार्क्स दे सकता है। तो हमने यह भी चर्चा किया है कि आप 50 में 45 ला सकते हैं, 46 ला सकते हैं, हाँ एक दो नंबर ग्रेस मार्क कुछ लाइन वाइन ये वो करके कट लेता है, लेकिन आज कल का जो हमको जो बच्चा जो बोला ना, अरे बहुत आनंद आज वही खुशी के कारण ना मैं इतना खुश था ना कि अपने परिवार में सबको मैं बताया कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज 92% नंबर ला करके मतलब अच्छा नंबर लाया है। एक समय था, वो समय हम मतलब सोचते हैं कि वो बच्चा सोचता था कि हमको सेकंड स्क्वायर को करने नहीं आता है, हमको एक सीधा लाइन खींचने नहीं आ रहा था, जहां सर आज हमको 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना मतलब जो भी हो क्लास चले आपका मतलब इस मुकाम तक पहुंचाए, और आपने इसके लिए हमको इस लाइक समझा और हमको इतना मतलब माना समझा, काफी अच्छा लगा। और आप लोगों का प्यार स्नेह इस तरह से ही मिलता रहे, आप कहीं भी रहे फहराते रहे और अपने समाज का परिवार का और हिस्सा बने और सेवा करते रहे और ईमानदार बने, ठीक है। हर जगह पे ईमानदार व्यक्ति मजबूर होता है, टूट जाएगा लेकिन हारेगा नहीं। आप लोगों के लिए है 18 20 19 20 सेशन वाले बच्चों के लिए है, मजबूर हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उसका स्तर निम्न हो जाएगा लेकिन हारेगा नहीं, एक न एक दिन वो परचम लहराएगा। और वो कल आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि प्लग कर जाते थे क्लास में, मतलब सब्जेक्ट में प्लग कर गए थे। सारे बच्चे ने हमको जब बताने लगा कि सर मेरा 42 नंबर आया, मेरा 41 नंबर आया, मेरा 38 नंबर आया, अरे तुम लोग जितना खुश हो रहा था ना उससे ज्यादा हमको यहाँ से खुशी मिल रही थी, समझ गया ना, बहुत ज्यादा खुश है। अभी भी बहुत खुश है कि चलो मेरा बच्चा कुछ कर रहा है ना, मतलब एक उम्मीद हिम्मत तो हुआ ना कि कम से कम 50 में 42 को तो नंबर ला सकता है, मतलब 92% तक ला सकता है। तो हाँ, और आप लोग यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के यदि 18 20 आपका सेशन है या 19 20 सेशन है तो आप अपना रिजल्ट जरूर डालें। मतलब रिजल्ट क्या, आप अपना मार्क्स जो ड्रॉइंग का है, हमको ड्रॉइंग का नंबर जानना है बस, दूसरा कुछ का नहीं जानना है। और मेरा जो टॉपर रहा है डीजल मैकेनिक रहा है लड़का, और मेरे ही जिला का रहा है, और 42 नंबर है। यदि 42 से ज्यादा है आपका नंबर कमेंट जरूर करिए, कम भी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता चले ना कि किस लड़का का कितना है, नहीं हमको काफी अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा लगे, आप लोग भी यदि मेरे नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि काफी अच्छा आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और निरंतर मिलते रहेगी। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं और नए सब्सक्राइबर हैं, आप सीख लें और समर्पित रहें अपने विषय वस्तु के ऊपर और अपने सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि बार बार आपको ये पढ़ना नहीं है, एक बार जब दाखिला लिए हैं तो पढ़ के निकल जाना है और बेहतर जॉब लेना है, ठीक है। चलते हैं, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को भी शेयर कीजिए। ओके बाय बाय। तो मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं किसी सब्जेक्ट और आपके विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करने आया हूं, आज मैं चर्चा करने आया हूं मेरा पूर्व का जो मेहनत है, मेरा जो मेहनत आप लोगों के प्रति था वो रंग लाया है और उभर करके आ गया, मतलब
अंत भला तो सब भला, मतलब पूर्वी का नाइटी का कितना भी क्यों ना सिचुएशन हो, या आपका जो त्याग था, आपका जो समर्पण था पढ़ाई के प्रति, वो उभर करके आ गया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेहनत करें, फल का चिंता ना करें, फल तो आएगा। ट्वेल्थ वाले भी अभी आपकी बार एग्जाम दिए, उनको उनके लिए भी है, आप मेहनत किए थे उसी के अनुरूप आपका रिजल्ट आएगा। आप एग्जाम देकर के आए हैं, आप अपना से आकलन कर रहे हैं मेरा 80% या 90% जाएगा तो नहीं, आप कितना समर्पित थे क्लासरूम में और किस मतलब तरह से आप उस टॉपिक को आप मतलब सॉल्व किए हैं और किस तरह से डिफाइन किए हैं, वो निकल करके आएगा आपका, वो मेहनत है आपका। तो फिलहाल मैं उन सारे बच्चों को बता दूं कि 2018 और 20 और 19-20 वाले सेशन वाले हैं, जितने भी बच्चे मेरे पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, सभी को दिल से बधाई, कांग्रेचुलेशन, और आपके भविष्य अच्छा हो, और जल्द से जल्द आप अपने परिवार समाज का एक सहारा बने, एक हिस्सा बने, और अपने छोटे के लिए मार्गदर्शक बने। और कहीं भी आप नौकरी करें तो ईमानदारी पूर्वक करें, ईमानदार बने। फिर से पुनः सभी को 18-20 वाले सेशन या 19-20 वाले जितने भी बच्चे हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबको दिल से बधाई, धन्यवाद, और आपका भविष्य अच्छा हो, और जल्द ही जल्द आप अपने परिवार का हिस्सा बने और अपने परिवार का सहारा बने और छोटों के लिए मार्ग प्रशस्त करें। मैं कुछ बीते हुए कल को चर्चा करता हूं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए कि बोलते थे कि सर मेरा मैं पास कैसे करूंगा, सर हर सब्जेक्ट तो हो जाए लेकिन सर ड्राइंग में हमारा सर बड़ा दिक्कत है, पिछला बार सर हम क्रॉस लग गया था मेरा, सर पिछला बार हम मेरा अच्छा नंबर नहीं आया था, सर हम पास नहीं, सर हमको पास करा दीजिए। अरे तुम कोई पाप किए हो, तुम्हारे पास समय है। वैसे बच्चे यदि देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो मेरे कमेंट में ईमानदारी से आप कमेंट कर दे कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। सारे बच्चों को मैं मोटिवेट किया उस जगह पे, और कोई उम्मीद नहीं किया था उतना नंबर लेकर के अबकी बार पास किया है। मैं मुझे पहले सूचना जो मिला ड्राइंग में, मेरा ड्राइंग में मैं ड्राइंग पढ़ा रहा हूं, और ड्राइंग में हाईएस्ट मार्क्स पहले मार्क हुआ क्या 38 नंबर, फिर दूसरा फोन जो आया वो आया बोला सर 39, हमने चलो आ गया रैंक में आ रहा है, फिर तो तीसरा जब फोन किया वो बोला सर 41, बहुत बढ़िया। कल हमको एक लड़का लास्ट तक बताया है, डीजल मैकेनिक का है, 19-20 सेशन है, वो ड्राइंग में उनका 50 में 42 नंबर आया है। जी हाँ, 50 में 42 नंबर आया है, मतलब 92% मार्क्स आया उसका। और अभी तक मेरे जानकारी में अभी तक जिला का टॉपर मेरा 92% रहा है, और मैं ठोक करके कह रहा हूं और विश्वास दिला करके कह रहा हूं कि मेरा जितना भी सारा स्टूडेंट पास किया है, यदि मेरे इस वीडियो को देख रहा है और अब अपना परसेंटेज ड्राइंग का आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालते चल जाइए, ताकि सबको पता चल जाए, आपके आने वाला जितना भी भाई है, आपका जितना छोटा जूनियर जो भाई पढ़ रहा है, उनको भी लगे कि हमको किस तरह से पढ़ना है, उस तरीका को भापेगा। तो आप 18-20 या 19-20 वाले सेशन वाले यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपना रिजल्ट पता चल गया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना ड्राइंग का मार्क्स कमेंट कीजिए, आप ड्राइंग का मार्क्स कमेंट कीजिए, ताकि सबको पता चले कि क्या है सच्चाई। और आज इस जगह पे मेरा बच्चा 50 में 42 तक लाया है, मेरे मतलब कल तक की जानकारी है, वो डीजल मैकेनिक का लड़का है, और कल आकर के हमको जब बोला ना, वो बच्चा जितना खुश नहीं था उसे 500 गुना मेरा सीना चौड़ा हो गया, हम खुश हुए कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज 92% मार्क्स लाया है, यार बहुत अच्छा लगा। कल यदि देख रहे हैं आप वीडियो को तो आप इस वीडियो के लिंक में मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के या आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया है, ताकि सबको पता चल जाए, जितना भी SC/BT वाले बच्चे देख रहे हैं 18-20 या 19-20 वाले,
आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमको भी पता चल जाए कि हाईएस्ट कितना गया मेरे जिला में। अभी तक तो मतलब हाईएस्ट है 50 में 42 नंबर लाया है वो हाईएस्ट है और डीजल मैकेनिकल लड़का है जो ड्राइंग में टॉप किया है। हम पास होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम जब भी पढ़ाए हैं क्लास में और हमेशा डेडिकेटेड और समर्पण समर्पित है आप लोगों के लिए और काफी हम आप लोगों के लिए डिवोटेड है ताकि आप लोग कुछ बेहतर करें। आज के समय में आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है ये कि 50 में 42 नहीं, हम बार बार बोलते हैं, आप पूर्व में जो वीडियो डाले हैं आप वहां पे भी देखिएगा कि मैं बताया हूं कि आपका ड्राइंग में जो मार्क्स उठता है एकदम मैथ के पैरेलल उठता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 99% नंबर दे सकता है, 95% नंबर दे सकता है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह से आपका ड्राइंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब 95% तक मार्क्स दे सकता है। तो हमने यह भी चर्चा किया है कि आप 50 में 45 ला सकते हैं, 46 ला सकते हैं, हाँ एक दो नंबर ग्रेस मार्क कुछ लाइन वाइन ये वो करके कट लेता है, लेकिन आज कल का जो हमको जो बच्चा जो बोला ना, अरे खुद आनंद आज वही खुशी के कारण ना मैं इतना खुश था ना कि अपने परिवार में सबको मैं बताया कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज 92% नंबर ला करके मतलब अच्छा नंबर लाया है। एक समय था, वो समय हम मतलब सोचते हैं कि वो बच्चा सोचता था कि हमको सेक स्क्वायर को करने नहीं आता है, हमको एक सीधा लाइन खींचने नहीं आ रहा था, जहां सर आज हमको 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना मतलब जो भी हो क्लास चले आपका मतलब इस मुकाम तक पहुंचाए और आपने इसके लिए हमको इस लाइक समझा और हमको इतना मतलब माना समझा काफी अच्छा लगा और आप लोग का प्यार स्नेह इस तरह से ही मिलता रहे, आप कहीं भी रहे फहराते रहे और अपने समाज का परिवार का और हिस्सा बने और सेवा करते रहे और ईमानदार बने, ठीक है। हर जगह पे ईमानदार व्यक्ति मजबूर होता है, टूट जाएगा लेकिन हारेगा नहीं। आप लोगों के लिए है 18-20-19-20 सेशन वाले बच्चों के लिए है, मजबूर हो जाएगा टूट जाएगा मतलब उसका स्तर निम्न हो जाएगा लेकिन हारेगा नहीं, एक न एक दिन वो परचम लहराएगा और वो कल आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि प्लग कर जाते थे क्लास में, मतलब सब्जेक्ट में प्लग कर गए थे, सारे बच्चे ने हमको जब बताने लगा कि सर मेरा 42 नंबर आया, मेरा 41 नंबर आया, मेरा 38 नंबर आया, अरे तुम लोग जितना खुश हो रहा था ना उससे ज्यादा हमको यहाँ से खुशी मिल रही थी, समझ गया ना, बहुत ज्यादा खुश है, अभी भी बहुत खुश है कि चलो मेरा बच्चा कुछ कर रहा है ना, मतलब एक उम्मीद हिम्मत तो हुआ ना कि कम से कम 50 में 42 हो तो नंबर ला सकता है, मतलब 92% तक ला सकता है। तो हाँ, और आप लोग यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के यदि 18-20 आपका सेशन है या 19-20 सेशन है तो आप अपना रिजल्ट जरूर डालें, मतलब रिजल्ट क्या आप अपना मार्क्स जो ड्रॉइंग का है, हमको ड्रॉइंग का नंबर जानना है बस, दूसरा कुछ का नहीं जानना है। और मेरा जो टॉपर रहा है डीजल मैकेनिक रहा है लड़का और मेरे ही जिला का रहा है और 42 नंबर है, यदि 42 से ज्यादा है आपका नंबर कमेंट जरूर करिए, कम भी है तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता चले ना कि किस लड़का का कितना है, नहीं हमको काफी अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा लगे, आप लोग भी यदि मेरे नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि काफी अच्छा आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और निरंतर मिलते रहेगी। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं और नए सब्सक्राइबर हैं, आप सीख लें और समर्पित रहें अपने विषय वस्तु के ऊपर और अपने सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि बार बार आपको ये पढ़ना नहीं है, एक बार जब दाखिला लिए हैं तो पढ़ के निकल जाना है और बेहतर जॉब ले लेना है, ठीक है। चलते हैं और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को भी शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।